हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए टॉपिक के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बेस्ड है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाटर क्वालिटी एंड इट्स पैरामीटर्स। द क्वालिटी ऑफ वाटर यू कंज्यूम और यू यूज फॉर अदर पर्पजेज लाइक म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस मस्ट मीट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पैरामीटर्स। एंड व्हाट इज वाटर क्वालिटी? वाटर क्वालिटी इज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर। वाटर क्वालिटी मे बी गुड और बेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी मेजर्स इज अ मेजर ऑफ कंडीशन ऑफ वाटर रिलेटिव टू रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ वन और मोर बेसिक स्पीसीज और टू ह्यूमन नीड्स और अदर पर्पजेज। सो बेसिकली वाटर क्वालिटी के आधार पर वाटर को यहाँ चार भागों में बांटा गया है। मैं तो एक एक जो चार टाइप दिए गए उनके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। पहला है पोर्टेबल वाटर। दिस टाइप्स ऑफ वाटर इज सेफ टू ड्रिंक एंड टेस्ट इज ऑल्सो गुड एंड यूज फॉर ऑल डोमेस्टिक पर्पजेज। सेकेंड है पेलेटेबल वाटर। पेलेटेबल वाटर दिस वाटर इज एस्थेटिकली प्लीजिंग, मीन्स इस केमिकल्स में प्रेजेंस इन दिस वाटर बट नॉट दी हार्मफुल और डू नॉट शो एनी थ्रेट्स टू लिविंग बींग्स। तीसरा है कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड वाटर। दिस वाटर इज कंटामिनेटेड बाय केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड दिस इज अनफिट फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग पर्पजेस। एंड दिस लास्ट वन इज इन्फेक्टेड वाटर। इन्फेक्टेड वाटर इज जस्ट जस्ट दैट कंटामिनेटेड विद बायोलॉजिकल और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ कम टू द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। क्या क्या वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं जो वाटर को बता सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो वाटर है वो यूज करने लायक है या नहीं है, उसकी क्वालिटी गुड है या बेड है कैसी। तो देर आर थ्री टाइप्स, थ्री बेसिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स: फिजिकल वाटर क्वालिटी, केमिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो फिजिकल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, टर्बिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, कलर, टेस्ट, ऑर्डर कैसा है, उसमें सॉलिड्स कितने प्रेजेंट हैं। केमिकल में हम उसकी रिएक्शंस के बारे में, पीएच के बारे में बात करेंगे, ईसी के बारे में करेंगे, एसिडिटी हो गया, एल्कलिनिटी हो गया, क्लोराइड हो गया, हार्डनेस हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजो हो गया, ये कैसे वाटर क्वालिटी को कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। सो हम शुरू, और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में जो कोई एलाबरेट वे में या कोई बहुत ही ज्यादा हर इस टॉपिक का डिस्कशन करने के माध्यम से वीडियो नहीं है, ये वीडियो है कि पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी एग्जाम्स है उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन क्या आते हैं, और एक तरह से यूँ मान लीजिए शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हैं उसी बेस पे ये वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज नथिंग बट द क्लाउडीनेस ऑफ वाटर। वाटर जैसे नहीं होता, थोड़ा सा मटमैला होता है, थोड़ा सा उसमें जो भी कंटामिनेटेड या जो भी, यूं मान लीजिए आप कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, सिल्ट है, रॉक पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से जो वाटर की क्लाउडीनेस होती है वो टर्बिडिटी होती है। और मेजर इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ लाइट टू पास थ्रू वाटर। ये टर्बिडिटी क्या है कि एक पानी जितना उसका क्लाउडीनेस है उससे कितनी, या फिर उस पानी से कितनी लाइट पास हो सकती है, उसको उसके आधार पर हम टर्बिडिटी मेजर करते हैं। और इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो यूनिट है, यूनिट आप ध्यान रखिएगा, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, एनटीयू बोलते हैं, टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO टर्बिडिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी मोर देन 5 NTU, बट इन द सेंस बट इन आइडियल कंडीशन शुड बी आइडियली बिलो 1 NTU, बट इफ अगर वहां पे कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है पानी का तो आप 5 NTU तक भी कंसिडर कर सकते हैं। टीयू इक्विवेलेंट किसके हैं, ये 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन सस्पेंशन। जो पानी होता है उसमें 1 मिलीग्राम सिलिका या 1 PPM सिलिका उसके सोल्यूशन में होती है, वो एक टर्बिडिटी यूनिट के बराबर होता है।
आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो इसका NTU 10 है और इसका 250 है, तो आप देख सकते हैं क्लाउडिनेस बढ़ता इस तरफ बढ़ता जा रहा है क्लाउडिनेस, ठीक है। इसके डिफरेंट मेजरमेंट मेथड्स होते हैं, जैसे आप यूँ समझ लीजिए, पहला नेफ्लोमेट्रिक मेथड्स है, अटेन्यूएशन ऑफ लाइट थ्रू वाटर कॉलम है, जैक्सन कैंडल मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं कि जैक्सन कैंडल मेथड किसके लिए यूज होता है, किसके मेजरमेंट के लिए, तो आप कह सकते हैं टर्बिडिटी के लिए है, और ये लेक्स रिजर्वायर चैनल्स रोशन के लिए सेच डिस्क का प्रयोग किया जाता है, और टर्बिडिटी ट्यूब्स भी होती है। तो आप इन ये जो सारे मेथड्स हैं इनको अच्छे से याद कर सकते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से मेथड टर्बिडिटी के लिए यूज होते हैं, और आपको ऑप्शन में सारे भी दिए जा सकते हैं, कोई एक भी दिया जा सकता है, तो आप उसमें स्टिक करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। टर्बिडिटी मैंने बताया जैसे कि टर्बिडिटी किससे रीजन क्या क्या होते हैं, पार्टिकल इज सस्पेंडेड डिजोल्व इन वाटर, जो स्कैटर लाइट मेकिंग द वाटर अपियर क्लाउडी और मर्की, ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर कैन इंक्लूड सेडिमेंट्स जैसे क्ले सिल्ट फाइन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर सोल्यूबल कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलगी हो गया अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गए, जो इसकी टर्बिडिटी को बढ़ा देते हैं पानी की को। और अब यहाँ डिस्कस करेंगे टू इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स जो टर्बिडिटी की है, पहली है फॉर्मेजीन नेफ्लोमेट्रिक यूनिट्स फ्रॉम ISO 7027 एंड सेकेंड है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो मैंने पहले ही बताया NTU वो USEPA के द्वारा उसको दिया गया है। जो ISO 7027 FNU यूनिट है वो मोस्टली वाइडली यूज होती है यूरोपियन कंट्रीज, और जो NTU होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स USA में यूज होता है, और ISO 7027 है दिस मेथड दिस प्रोवाइड्स द मेथड इन वाटर क्वालिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्बिडिटी। सो ये टर्बिडिटी के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे जो भी बारे में इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही लग रहा होगा सामान्य पैरामीटर है, बट टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और इट इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज मेजर्ड ऑन लीनियर स्केल ऑफ डिग्री, डिग्री में ले लीजिए डिग्री और सेल्सियस और फारेनहाइट में आपको बताइए, और मेजर्ड बाय थर्मामीटर, जो हम थर्मामीटर से इसको मेजर करते हैं, और डिफरेंट यूनिट्स कैन बी यूज्ड फॉर टेम्परेचर। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हम डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर को बताते हैं, फारेनहाइट में भी बताते हैं, और केल्विन में भी यहाँ इसको डिस्कस करते हैं, और केल्विन जो है SI यूनिट है, वेयर इज फारेनहाइट और सेल्सियस कॉमनली यूज्ड स्केल है। तो आपसे पूछा जाए कि SI यूनिट कौन सी है, तो वो केल्विन है। और क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसके इनके कन्वर्जन पे भी आते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे 0 डिग्री, जो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है वो इक्वल टू होता है कितना केल्विन के, 273.15 के होता है, और आप यूँ समझ लीजिए जो 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो हो जाएगा 373.15 केल्विन, ठीक है। और एक और फॉर्मूला जो आता है वो इनके कन्वर्जन का आता है, तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 = फारेनहाइट -32/9। तो आप इस फॉर्मूले से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कन्वर्जन वाले को, ठीक है ना, सी अपॉन सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 = एफ माइनस फारेनहाइट -32/9। अब बात करते हैं वाटर एट टेम्परेचर, जो मोस्ट पैलेटेबल वाटर होता है उसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड है एक, अगर हम किसी भी आउटलेट या फैक्ट्री या किसी भी कहीं से भी जो पानी निकल रहा है अगर वो किसी हम वाटर बॉडी में छोड़ रहे हैं उसको इनलैंड वाटर बॉडी में सरफेस वाटर में, तो वो शैल नॉट बी एक्सीड 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द रिसीविंग वाटर, जो रिसीविंग वाटर है उससे उसका तापमान 5 डिग्री ज्यादा नहीं, 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम, टेम्परेचर अफेक्ट्स द वाटर केमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या क्या डिसाइड करता है आप देख लीजिए। टेम्परेचर ऑफ वाटर वे इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन टोटली डिपेंड्स मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली डिपेंड्स ऑन वाटर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल डिजोल्व इन वाटर इंक्रीज विद टेम्परेचर डिक्रीज, मीन्स टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DO डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। वाटर जैसे 0 डिग्री वाटर है तो वो 14.6 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर होल्ड करेगा, और अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो 7.6
मिलीग्राम पर लीटर पीपीएम और ऑक्सीजन कैरी करेगा। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक रेट्स हो गया, और डिफरेंट पैरासाइट डिजीज या टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन माइग्रेशन एस्थेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया, इनकी सेंसिटिविटी हो गई, ये सारे टेम्परेचर इसमें बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलर। कलर इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द वाटर सैंपल विद स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशन और ग्लास डिस्क जो होती है उसे कंपेयर करके कलर को देखा जाता है। और कलर आप देख सकते हैं वाटर कलर, वैसे तो कहा जाता है कि जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस टेस्टलेस ऑडरलेस होता है और नियरली कलरलेस होता है, बट जो आप जो देखते हैं कि वाटर का जो ब्लू कलर देखते हैं जो उसके जो सनलाइट होती है अपनी उसके ब्लू कलर के रिफ्लेक्टेंस की वजह से होता है। और इसको कलर को जो मेजर करने का जो क्वेश्चन में देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किससे मेजर किया जाता है, वो है टिंटोमीटर मेथड। इस टिंटोमीटर मेथड में भी जो वाटर होता है उससे लाइट पास करके ही इसको मेजर किया जाता है कलर को, और इट इज मेजर्ड ऑन बर्गेस स्केल और कोबाल्ट स्केल बाय नेशनल ट्यूब वन ट्यूब कलर यूनिट। ये टीसी याद रखिएगा आप, वन ट्यूब कलर यूनिट इज इक्विवेलेंट टू कलर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम, उसमें प्लेटिनम का कौन सा साल्ट यूज किया जाता है, पोटेशियम क्लोरो प्लेटिनेट। इसका जो 1 मिलीग्राम सॉल्यूशन है उससे जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको हम 1 TCU बोलते हैं, 1 TCU कलर यूनिट। कलर इज ग्रेडेड स्केल 0 मींस क्लियर वाटर 70 तक किया जाता है, और प्योर वाटर इज कलरलेस विच इज इक्वल टू 0 कलर यूनिट। एंड कलर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कलर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्लेटिनम अपॉन कोबाल्ट स्टैंडर्ड यूनिट। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता पूछा जाता है। यहाँ हम अब देखिए हम दो तरह के यहाँ कर रहे हैं, एपेरेंट कलर और ट्रू कलर। एपेरेंट कलर मीन्स एंटायर वाटर सैंपल कलर, मीन्स उसमें जो भी बोथ डिजोल्व एंड सस्पेंडेड कलर कंपोनेंट, उसमें जो डिजोल्व होगा सस्पेंड होगा उन दोनों की कॉम्प्लेक्स की वजह से जो कलर आएगा उसको एपेरेंट कलर बोलते हैं। ट्रू कलर मीन्स होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, वाटर सैंपल रिमूव ऑल सस्पेंडेड मटेरियल, सारे जो सस्पेंडेड मटेरियल है अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो जो कलर बनेगा वो उसको ट्रू कलर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर की। तो जो टेस्ट एंड जो ऑर्डर है, तो जब हम पानी को स्मेल करेंगे या फिर उसको उसको पी के देखेंगे तो जो भी टेस्ट या ऑर्डर आता है, जो प्योर वाटर तो मीन्स ये मान लीजिए आप टेस्टलेस मान लीजिए क्या होता है, ये टेस्टलेस ऑर्डरलेस होता है जब उसमें कुछ भी कंटामिनेशन होता है या कुछ भी उसमें एडिशन होता है तब उसका टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑर्डर और टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिव टर्म्स में मतलब जैसे टेस्ट है और ऑर्डर है उसको हम स्मेल कर सकते हैं पी के देख सकते हैं, पर क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको मेजर करना एक टफ काम हो गया। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल ए एंड डाइल्यूटिंग इट विद वॉल्यूम ऑफ सैंपल बी ऑफ एंड ऑर्डर पी डिस्टिल वाटर है उससे डाइल्यूट करते हैं और रिजल्टिंग मिक्सर जो होता है मतलब वो डिटेक्टेबल फॉर्म में उसको लाते हैं 200 ml तक, और जो यूनिट होती है उसको हम थ्रेशोल्ड नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर और थ्रेशोल्ड टेस्ट नंबर, उसमें क्या किया जो उसका वॉल्यूम था जो सैंपल का वॉल्यूम था ए देन बी डिस्टिल वाटर डिवाइडेड बाय जो सैंपल वॉल्यूम था उससे डिवाइड करते हैं, जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नंबर आएगा उससे हम कितना उसका टेस्ट कितना खराब है कितना स्मेल हो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नंबर मिल जाता है उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि पानी टेस्ट कैसा है ऑर्डर कैसा है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये मान लीजिए आप जो सॉलिड्स होते हैं जो टोटल सॉलिड्स होते हैं वाटर में वो टोटल वो डिजोल्व भी हो सकते हैं और सस्पेंडेड भी हो सकते हैं। तो सॉलिड्स ओकर्स इन वाटर आइदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो टोटल सॉलिड को हम कैसे काउंट करेंगे, टोटल डिजोल्व सॉलिड TDS एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल सॉलिड जो मिलीग्राम पर लीटर में आएगा वो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय जो भी सैंपल वॉल्यूम था। W2 मींस का मतलब हो गया कि टोटल वॉल्यूम जो भी उसका उसमें डिजोल्व था सस्पेंडेड था उसका वॉल्यूम, और जो फिल्ट्रेशन के बाद जो आएगा उसको माइनस करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में क्लियरली शो कर रखा है कि जो M सॉलिड्स हैं वो जैसे इस पेन का वेट हो गया और सॉलिड्स का हो गया, उसमें से अगर हम पेन को माइनस कर देंगे तो उसमें सॉलिड्स बचेगा, सॉलिड्स का वेट आ जाएगा आफ्टर द ओन इवेपोरेशन।
और इसमें जो टीडीएस है वो क्लासिफिकेशन दिया गया है कि फ्रेश वाटर का टीडीएस लेस देन 1500 मिलीग्राम पर होना चाहिए, ब्रैकिश वाटर का 1500 से 5000, और जो सेलाइन वाटर होता है उसका मोर देन 5000 मिलीग्राम पर लीटर टीडीएस होता है। और इसको मेजर किया जाता है फ्रेंड टीडीएस मीटर के माध्यम से, जो आराम से इजीली आप जो अपने आरओ में आरओ वगैरह में जो टीडीएस यूज करते हैं वो मीटर भी होता है, तो उससे आप आराम से उसको। और दूसरा मेथड होता है ई ऑपरेशन से, आप ये फिजिकली बीकर और उसको वेट का डिफरेंस करके भी आप मेजर कर सकते हैं। जो उसकी परमिसिबल लिमिट होती है, जो स्टैंडर्ड से इंडियन स्टैंडर्ड परमिसिबल टीडीएस की जो लिमिट है वो डिजोल्व सॉलिड्स की जो 500 मिलीग्राम पीपीएम होती है। और ये जो डायग्राम दिया गया इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब वाटर सैंपल को आप इवेपोरेट करते हैं तो टोटल सॉलिड बच जाते हैं, और जब उसको फिल्टर करते हैं तो ग्लास फिल्टर से फिल्टर करेंगे तो एक तरफ से इवेपोरेशन ऑफ फिल्टर, ग्लास फिल्टर फिल्टर के बाद जो इवेपोरेशन करेंगे तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड रह जाएगा। अगर जो इवेपोरेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट को इवेपोरेट करेंगे देन वो टोटल डिजोल्व सॉलिड रह जाएगा। उसके बाद अगर ओवन में वेपोराइज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट उसके जो फ्रैक्शन है वो निकल के सामने आते हैं, जैसे वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, फिक्स वोलेटाइल हो गया, टोटल वोलेटाइल हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसके फ्रैक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कैरी और कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। जो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो तो जितने भी उसके मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उसके आधार पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है कि उससे कितना करंट पास हो सकता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो माइक्रो मोल्स पर सेंटीमीटर भी होती है, और जो एसआई यूनिट होती है तो वो साइमन पर मीटर में होती है, जिसे हम मिली साइमन पर मीटर भी बोल देंगे, और उसको कन्वर्जन होगा एक डेसी साइमन पर मीटर। तो यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाता है इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। मिली साइमन पर मीटर इज इक्वल टू 10 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, और यू कह सकते हैं कि 1000 माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसी साइमन पर मीटर, जिसका मेजरमेंट है इसी मीटर से किया जाता है। इसी मीटर में भी आप जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो उनमें आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर इसी को कैलकुलेट किया जाता है। अल्ट्रा प्योर वाटर की जो इसी का यहाँ दी गई है कितना है, ड्रिंकिंग वाटर की कितनी है और सी वाटर की कितनी है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टीडीएस जो हम इसी का जो पैरामीटर डेटा हमारे पास आता है उससे हम पर्टिकुलर फैक्टर से 0.552 0.7 जो फैक्टर होता है उससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके हम टीडीएस भी निकाल सकते हैं कि कितना टीडीएस था उस किसी भी वाटर सैंपल का। अब आप बात करेंगे पीएच की। पीएच का मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ बात करेंगे कि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन वो पीएच होती है, और ये एक डायमेंशन लेस पैरामीटर होता है जो स्ट्रेंथ बताता है कि जो भी पानी वाटर सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, उसके बारे में अभी अभी बात करेंगे। और इसकी रेंज होती है 0 to 14 होती है, और जो 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल पीएच के लिए बताई गई है। और जो भी वाटर सैंपल या जिसकी भी पीएच लेस देन 7 है उसको हम एसिडिक इंडिकेट करते हैं, और मोर देन 7 को हम एल्कलाइन और बेस सॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पीएच का मिक्सर होता है इसमें अगर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक होगा, ओ एच की ज्यादा होगी तो वो बेसिक बेसिक होगा, दोनों की इक्विवेलेंट होगी जो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों बराबर में है, तो उसकी पीएच ये 7, इसको न्यूट्रल बोलेंगे। और इधर इधर ये एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है जो रेड वाले हैं, और तो ये एसिडिक की तरफ जा रहा है, एसिडिक नेचर है, और इधर ये एल्कलाइन नेचर की तरफ ओ एच की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दो स्केल है 0 to 14, इसको सोरेंसन स्केल बोला जाता है क्योंकि जो वो इस लोरिड सोरेंसन ने उन्होंने इसके बारे में बताया था 1909 में, तो इसको सोरेंसन स्केल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। और यहाँ बता भी रखा है कि जैसे ब्लड का पीएच 7.4 है और मिल्क का 6.7 है, और जैसे आप ये कोला हो गया या एससीएल हो गया ये बहुत ही एसिडिक एसिड है, तो इसकी एसिड की पीएच 1.1 के आसपास, और एनएमएच जो बहुत ही अच्छा बेस होता है अच्छा जो उसकी 13.2 है प्योर की। तो ये सारे पीएच के बारे में ये आप देख सकते हैं कि इसकी पीएच कितनी है। और अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको मेजर पीएच मीटर के द्वारा किया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी को, एसिडिटी हो गया, एल्कलिनिटी हो गया, उसको ये
पीएच के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटली मीन्स यू मान ले बेसिकली आप पीएच मीटर किससे बना होता है, एक ऑल्टामीटर हो कंसिस्ट ऑफ ऑल्टामीटर अटैच्ड टू अ पीएच रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड होता है एक तो, और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो एक्टिव रेफरेंस जो जिसका पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। तो इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के आधार पर हम जो पीएच रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड होता है उनके पोटेंशियल को डिफरेंस करके पीएच का हम पीएच को हम रीडिंग लेते हैं। जो पीएच रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड है ना फ्रेंड्स, वो यूजुअली ग्लास का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच मीटर में जो पीएच रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड है वो किसका होता है, वो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं वो यू सिल्वर सिल्वर क्लोराइड के हो गए या मरकरी मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड के होते हैं, जिसको हम केलोमल भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो यूज किए जाते हैं। और प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 बताई गई है, 7 होती है। और आप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल जो रेनफॉल होती है वो 5.6 उसकी स्लाइटली एसिडिक होती है, जो रेनफॉल होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, उसकी 5.6 पीएच होती है। वो क्यों होती है, जो एटमोसफियर में CO2 होती है वो H2O से क्रिया करके रिएक्शंस करके और H2O से करेगा तो वो H2CO3 करके जो एसिड बनता है अपना कार्बोनिक एसिड वो बनाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी जो रेनफॉल होती है वो एसिडिक होती है। और सेफ रेंज जो पीएच फॉर ड्रिंकिंग 6.5 टू 8.5 फॉर डोमेस्टिक यूज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। इंपॉर्टेंट है कि कितना ऑप्टिमम रेंज क्या है पीएच की, ठीक है, 6.5 टू 8.5। अब बात करेंगे एसिडिटी की, तो एसिडिटी इज द मेजर ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। और एसिडिटी इन वाटर यूजुअली ड्यू टू किसके लिए, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड बनाती है, मिनरल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड साल्ट होते हैं जैसे फेरिक और एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफियर फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कॉज एसिडिटी व्हेन डिजोल्व वाटर बाय फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, जो मैं अभी बता रहा था, डिस्कस कर रहा था। एंड लेवल ऑफ एसिडिटी डिटरमाइन किससे करते हैं, टाइट्रेशन मेथड से करते हैं विद द स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.02 नॉर्मलिटी का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूजिंग फिनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें कि किससे हम मेजर करते हैं। अब बात करेंगे एल्कलिनिटी की, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज जस्ट एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ टोटल जो भी उसमें टाइट्रेबल जो भी उसमें एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना टाइट्रेबल बेसिस की रिक्वायरमेंट होगी एल्कलिनिटी होती है, ठीक है। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर मेनली कोल्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, बाय कार्बोनेट हो गया, मिक्सर ऑफ दीज आयन्स जो वाटर जो भी इसमें साल्ट प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से एल्कलिनिटी वो डिफरेंशिएट होती है। और एल्कलिनिटी इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन मेथड ही यहाँ यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन H2SO4 0.02 नॉर्मल का और यूजिंग सिलेक्टिव इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन यूज करते हैं। और जो हाई इंडस्ट्रियल और केमिकल पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से हाई लेवल ऑफ आइदर एसिडिटी एल्कलिनिटी वाटर में भी इंडिकेशन, अगर कहीं पे हाई एसिडिटी एल्कलिनिटी है तो इसका मतलब वहाँ वो वाटर इंडस्ट्रियल केमिकली पोल्यूटेड है, तो ये एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स क्लोराइड के बारे में, तो स्टैंडर्ड जो क्लोराइड जो भी क्लोराइड है वो नेचुरली भी वाटर में सरफेस वाटर में नेचुरली पाया जाता है, बट जो एंथ्रोपजेनिक एक्टिविटीज की वजह से अगर उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो वो हार्मफुल होती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्लोराइड का 250 ppm है, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा ये दिस इज द परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड। और मेजरमेंट के लिए जो मेथड है वो टाइट्रेशन मेथड है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर। इस मेथड को अर्जेंटोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर का यूज होता है। और दिस टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस इज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसोल्युबल क्लोराइड साल्ट, जो इसका प्रिंसिपल है ना मेथड का अर्जेंटोमेट्रिक मेथड का वो प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन का मतलब दो इनसोल्युबल क्लोराइड साल्ट के रूप में वो उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा एक और मेथड है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलर कंपेसेटर टेस्ट किट, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं क्लोरीन रेसिड्यूल की, क्लोरीन रेसिड्यूल क्या होते हैं, जैसे हम क्लोरीन जो होता है क्लोरीन वो डायरेक्टली नेचुरली वाटर में होता नहीं है, क्लोराइड तो होता है, क्लोरीन तो जब क्लोरीन को हम वाटर डिसइंफेक्शन जो वाटर ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम डिसइंफेक्शन में यूज लेते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन डिफरेंट टॉक्सिक कंपाउंड या फिर डिफरेंट रिएक्शन करके जो कंपाउंड जनरेट करता है वो क्लोरीन रेसिड्यूल बोलते हैं, ठीक है। 0.02 मिलीग्राम
पर लीटर ऑप्टिमम रेंज है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, और जो स्टैंडर्ड लिमिट है ये है इनलैंड सरफेस वाटर। मान लो आप किसी सरफेस वाटर बॉडी में वाटर उसमें छोड़ रहे हो तो उसकी जो स्टैंडर्ड लिमिट है 1 मिलीग्राम पर लीटर है, और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए 0.2 मिलीग्राम पर लीटर और 0.2 ppm है क्लोरीन रेसिड्यूल की, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लोरीन कैन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक्स इन वाटर एंड फॉर्मिंग टॉक्सिक कंपाउंड, जो मैं बात कर रहा था ट्राइहेलोमेथेन्स का जनरेशन होता है, और ये ट्राइहेलोमेथेन्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ये कार्सिनोजेनिक होती है। तो आप देख लीजिए कितना सेंसिटिव पैरामीटर है। और क्लोरीन रेसिड्यूल इज नॉर्मली मेजर्ड बाय कलर कंपैरेटर टेस्ट किट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इनका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप, मतलब बेसिक बेसिक जो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पे इसमें डिस्कस किया जा कर रहा हूँ मैं। अब सल्फेट की बात करते हैं, तो सल्फेट का भी जैसे आप कोई भी डिपोजिट से या उसके डिफरेंट डिफरेंट साल्ट होते हैं उनसे सल्फेट जो प्रेजेंट होता है, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट इन नेचुरल वाटर यूजुअली बाय लीचिंग ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट हो गया, इसको ग्लोबर साल्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा सोडियम सल्फेट को, और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको एप्सन साल्ट बोलते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में ना, ये सोर्स होते हैं सल्फेट कंटामिनेशन के। और आप ये मेजरमेंट के इसमें तीन मेथड है, इनको भी ध्यान रखिएगा, ग्रेविमेट्रिक मेथड विद इग्निशन ऑफ रेसिड्यू, ग्रेविमेट्रिक मेथड विद ड्राइंग ऑफ रेसिड्यू एंड टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड। कभी कभी टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड पूछा जाता है कि ये सब किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फेट के लिए भी यूज किया जाता है। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल पैरामीटर नाइट्रोजन के बारे में। जो नाइट्रोजन पाया जाता है ना इसमें पानी में, वो आप देख लीजिए कितने सारे फॉर्म्स में होता है, या तो वो ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होता है उसमें हो सकता है, अमोनिया अमोनिकल फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपको पता है वो नाइट्रेट में होगा, या फिर NO2- जो होता है नाइट्रेट फॉर्म में होगा, या फिर नाइट्रेट नाइट्रोजन फॉर्म में होगा, तो ये सारी फॉर्म्स में वो वाटर में पाया जा सकता है, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्टिकुलर मेजरमेंट पर्टिकुलर उसके जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गई है तो एक डिजीज होती है ब्लू बेबी और मिथेमोग्लोबामिनिया ये हो जाती है, इसके बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए इसके मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है, जैसे यूवी नाइट्रेट का मेजर करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है और फिनोल डाइसल्फोनिक मेथड है, तो याद रखिएगा कि नाइट्रेट डिटरमिनेशन के लिए है और नाइट्रेट के लिए कोलोरीमेट्रिक मेथड यूज किया जाता है। और जब आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इन अमोनिया अमोनियम फॉर्म में जो भी होता है ऑर्गेनिक और अमोनियम फॉर्म में अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है उसको जेलडाल मेथड के द्वारा उसका डिटरमिनेशन मेजरमेंट किया जाता है, तो ये जो है इसको टोटल जेलडाल नाइट्रोजन भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल जेलडाल नाइट्रोजन का मीनिंग क्या है तो उसमें आएगा कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो भी फॉर्म्स है और अमोनिकल नाइट्रोजन जो फॉर्म्स है उसको टोटल जेलडाल नाइट्रोजन मेथड से यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मिथेमोग्लोबामिनिया डिजीज की। इट इज द कंडीशन व्हिच इज मोर देन 1% ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स टेक द फॉर्म ऑफ मिथेमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से। देन हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। जो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ब्लड में, वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है डिफरेंट जो हमारे लंग्स या फिर डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स होते हैं उसमें वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जब हीमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो डज नॉट कैरी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। व्हेन इट रिप्लेसेस हीमोग्लोबिन देन इट कॉज ग्रे ब्लूनेस ऑफ स्किन। इसको साइनोसिस डिजीज को साइनोसिस भी बोलते हैं, और क्योंकि इसमें जो स्किन होती है वो ग्रे ब्लू कलर की हो जाती है। नाइट्रेट इन द वाटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। जो नाइट्रेट होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और बॉडीज कन्वर्ट अ पोर्शन ऑफ दैट नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। अब क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। देन नाइट्राइट रिएक्ट्स विद ब्लड टू क्रिएट मिथेमोग्लोबिन। इसका मतलब ये पूछा जाए आपसे कि नाइट्रेट रिएक्ट करता है नाइट्राइट करता है तो नाइट्रेट डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर देन नाइट्राइट उससे रिएक्ट करके और मिथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, हीमोग्लोबिन से मिथेमोग्लोबिन का, जैसे आप यहाँ भी समझ सकते हैं।
जो मिथेमोग्लोबिन है इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्राइट ऑक्सीडाइज, मतलब जो नाइट्राइट भी क्या करता है, नाइट्राइट फॉर्मेशन हुआ ना वो फेरस आयन को हीमोग्लोबिन में, जो फेरस आयन होता है उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, उससे मिथेमोग्लोबिन जनरेट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 2% ऑफ टोटल जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें से मिथेमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन जब अगर ये इसका मिथेमोग्लोबिन मोर देन 10% अगर ब्लड में होता है तो वो सिम्टम शो करने लग जाते हैं साइनोसिस के या मिथेमोग्लोबिनीमिया के। अब नाइट्रेट रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर मिथेमोग्लोबिनीमिया इज प्रिंसिपली अ डिजीज ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब ये जो डिजीज है वो यंग चिल्ड्रन या बोटल फीडिंग वाले चिल्ड्रन या लेस देन 4 मंथ जो इन्फेंट्स होते हैं ना वो इस डिजीज के लिए वेरी 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 ससेप्टिबल होते हैं। तो इसका क्या रीजन है भाई, वही सबसे ज्यादा ससेप्टिबल क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि दिस एज ग्रुप इज मोस्ट ससेप्टिबल ड्यू टू जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी जो गैस्ट्रिक पीएच होती है, उनकी जो स्टमक में आर नाल में जो पीएच होती है वो गैस्ट्रिक पीएच जो एल्कलाइन पीएच होती है विच अलाउज ग्रेटर बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ स्टोमक एंड एनहेंस द कन्वर्जन ऑफ इंजेस्टेड नाइट्रेट टू नाइट्राइट, जो नाइट्रेट से नाइट्राइट कन्वर्जन होता है तो उनकी जो एल्कलाइन पीएच होती है उसकी वजह से ज्यादा होता है। और अ ग्रेटर फ्लूड इंटेक रिलेटिव टू बॉडी, और फ्लूड भी ज्यादा लेते हैं तो उस फ्लूड की वजह से भी उनका जो डिजोल्यूशन होता है कन्वर्जन होता है वो रेट बढ़ जाती है। और द हाई प्रपोर्शन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, मतलब उनके जो इन्फेंट होते हैं उसमें जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसका रेशो ज्यादा पाया जाता है और वो विच में भी मोर रैपिडली ऑक्सीडाइज टू मिथेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू अडल्ट। अडल्ट में एक तो एसिडिक एनवायरमेंट होता है स्टोमक का तो उससे हम बच जाते हैं और इनके एल्कलाइन होता है इन्फेंट्स के, और दूसरी चीज क्या हो गई जो ये उनका जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो उनका लोअर एनए डीएच डिपेंडेंट मिथेमोग्लोबिन लेटेज एक्टिविटी होती है, जो एंजाइम की एक्टिव होती है तो एंजाइम रेट कन्वर्ट्स मिथेमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, वापस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम होता है, अगर मिथेमोग्लोबिन बन गया है तो उसको हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए लोअर एनए डीएच डिपेंडेंट मिथेमोग्लोबिन रिडक्टेज एक्टिविटी एंजाइम होता है तो ये एक्टिविटी भी उनमें कम पाई जाती है। तो इसकी वजह से इन सब रीजन की वजह से वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या उनके रीजन हैं, इन्फेंट्स क्यों ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मिथेमोग्लोबिन जो होता है वो इन्फेंट्स में ज्यादा क्यों होता है, अडल्ट में क्यों नहीं होता है। तो यहाँ अगर आपके 4 ऑप्शन में ऐसी चीजें आती है तो आप क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड तो आप वेरी वेल नोन टॉपिक है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कंट्रीब्यूट्स टू गुड डेंटल हेल्थ, मतलब ये मान लीजिए आपकी एक पर्टिकुलर परमिसिबल लिमिट के अंडर आपको फ्लोराइड मिल रहा है तो हमारे डेंटल हेल्थ के लिए भी और अदर बोन्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अबाउट 1 मिलीग्राम और 1 ppm इज इफेक्टिवली इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके, जो डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं डिजीज को, जो टूथ डिके हो जाता है चिल्ड्रंस में उसको बचाने के लिए आप यूँ मान लीजिए कि 1 ppm तो हमको चाहिए चाहिए, बट इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है फ्लोराइड की ड्रिंकिंग वाटर 1.5 ppm। अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी में फ्लोराइड अगर बॉडी में जा रहा है तो डेंटल फ्लोरोसिस जो दांत खराब हो जाते हैं तो वो उसकी समस्या आने लग जाती है। तो ये देख लीजिए आप इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है 1.5 ppm। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यहाँ पे ना। एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि जो वार्मर रीजन कंट्रीज होती है ना द मैक्सिमम अलाउेबल कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड फॉर पोर्टेबल वाटर इज 1.4 ppm है, वही क्या है कि कोल्ड क्लाइमेट में 2.4 ppm है। इसका क्या रीजन है कि जो वार्मर कंट्रीज है तो वह जब वहां पे गर्मी रहेगी हॉट क्लाइमेट रहेगा तो ड्रिंकिंग वाटर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ये लिमिट क्या है 1.4 है। इसका मतलब आप इस लिमिट कम रखी गई है, मान लो जब ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिक लिमिट कम रहेगी क्योंकि वैसे आप ज्यादा पानी ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा फ्लोराइड डिपॉजिट हो जाएगा, और कोल्ड कंट्रीज में वाटर इनटेक कम रहता है इसलिए 2.4 इसकी लिमिट थोड़ी हाई है, ज्यादा इसमें कुछ वो डिफरेंस नहीं है, बस ये वाटर और वार्मर और कोल्डर क्लाइमेट का है कि पानी कहाँ ज्यादा पीते हैं कहाँ कम पीते हैं। अब ये मेजरमेंट के 2 मेथड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड है और एक होता है ये स्पेड नस मेथड, मतलब SPADNS, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और ये मेथड किसके लिए काम में आता है, जो फ्लोराइड के लिए आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हेवी मेटल्स हैं, आप जानते हो ये मेटल्स कंटामिनेशन किससे होता है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप हेवी मेटल कंटामिनेशन नेचुरल भी हो सकता है और किसी माइनिंग एक्टिविटीज हो गया कोई फैक्ट्रीज हो गया, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जस्ट मैं। और जो अभी इसके स्टैंडर्ड्स है वो इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी
डला हुआ है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के बारे में, वहाँ भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कितने कितने ppm इसकी परमिसिबल लिमिट है डिफरेंट मेटल की। तो जस्ट मैं यहाँ पे इनके जो डिफरेंट मेजरमेंट मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा कि हेवी मेटल को हम डबल एस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर या फ्लेम डबल एस फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जो HG के लिए यूज किया जाता है, आर्सेनिक भी हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, और एक हो गया ICP इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा जो जिसकी डिटेक्शन लिमिट बहुत हाई होती है मेटल्स के लिए। तो ये सारे यहाँ पर मेजरमेंट के मेथड्स हैं डिफरेंट इन हैवी मेटल को मेजर करने के लिए। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली मिनरलाइज्ड वाटर। हाईली मिनरलाइज्ड वाटर का मतलब है कि अगर मिनरल एक लिमिट से ज्यादा है तो प्रॉब्लम कर सके, जैसे जो वाटर सप्लाई पाइप है उनमें डिपॉजिट होके उनको क्लॉगिंग हो सकती है उनकी, या फिर वो डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस लेदर विद सोप जो साबुन का यूज करके जो वॉशिंग में होता है तो उसमें डिफिकल्टीज होती है, और भी अदर कई डिफिकल्टीज होती है वाटर हार्डनेस की वजह से। इनका बेसिक रीजन क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन पोज द ग्रेटेस्ट पोर्शन ऑफ हार्डनेस इन नेचुरल ओकरिंग वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम उनके सॉल्ट्स जो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, वो हार्डनेस के पीछे उनका रीजन रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोडियम साल्ट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। सोडियम के जितने भी साल्ट्स हैं Na+ के, वो हार्डनेस के लिए नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी एक होती है, तो और इनके जो ये आयन कैल्शियम +2 है मैग्नीशियम +2 है, तो ये इनके जो साल्ट जो वो इजीली करके बनते हैं, और इस जो सोडियम साल्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो इसका जो यूज होता है वो ये रिमूवल ऑफ हार्डनेस के लिए किया जाता है। जनरली ग्राउंड वाटर इज हार्डर देन सरफेस वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, हाईली मिनरलाइज्ड होता है, तो वो उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है। हार्डनेस देयर आर फ्रेंड्स टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ये याद रखिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है तो इसका मतलब इसको हम बॉइलिंग से भी रिमूव कर सकते हैं। और परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो उसका रीजन होता है सल्फेट्स और क्लोराइड्स, जैसे इसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ना टेम्परेरी का, तो परमानेंट का रीजन है सल्फेट्स और क्लोराइड साल्ट्स जो भी होते हैं डिफरेंस से कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड साल्ट्स होते हैं उसकी वजह से, और ये बॉइलिंग से, ठीक है, आफ्टर रिमेनिंग बॉइलिंग से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ एक और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, बॉइलिंग के अलावा आप टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग के बाद क्लार्क प्रोसेस होता है उसमें सिलेक्ट लाइम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो हम यूज कर सकते हैं, और जब मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के लिए वॉशिंग सोडा हो गया, जैसे मैं बात कर रहा था कि सोडियम साल्ट यूज किया जाता है क्योंकि सोडियम साल्ट हार्डनेस कोज नहीं करता है, और एक कालजन प्रोसेस होता है, कालजन कुछ नहीं है ट्रेड नेम है कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के यूज किया जाता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हम परमानेंट हार्डनेस को सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। इसके मेजरमेंट के मेथड भी है, EDTA टाइट्रेशन मेथड है। EDTA टाइट्रेशन मेथड में हम इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड जो होता है उसको हम यूज करके हार्डनेस इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विद इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, आपने सुना होगा कभी भी कि EDTA क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लेता है उसकी वजह से जो भी इसमें मिनरल्स होते हैं और हार्डनेस को कम कर देता है, और इसमें इरियोक्रोम ब्लैक और ब्लू इंडिकेटर भी यूज किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो इसकी यूनिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, टोटल हार्डनेस क्या होगी वो मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट यूनिट है, तो कैल्शियम से जो हार्डनेस जनरेट होगी मैग्नीशियम साल्ट से जो जनरेट होगी हार्डनेस वो टोटल हार्डनेस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एक क्लासिफिकेशन दिया गया है कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर ये होगा कि टोटल हार्डनेस लेस देन 50 होगी, 50 ppm HCOSO3 तो वो सॉफ्ट होगा, 50 से 150 मॉडरेटली हार्ड होगा, हार्ड 150 से 300 हार्ड होगा, और मोर देन 300 वेरी हार्ड वाटर में आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन हमको करना पड़ेगा। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो ड्रिंकिंग वाटर के वो भी 300 है, यहाँ देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्टैंडर्ड क्या है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और हार्डनेस अप टू 600 मिलीग्राम इज सेफ इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। अगर आगे पास पानी का कोई सोर्स ही नहीं है तो आपको कैसे करके लेना, तो आप 600 ppm कैल्शियम कार्बोनेट तक बॉडी हमारी थोड़ी उसको सहन कर सकती है, बट उसके अलावा तो वो
लग्जेटिव इफेक्ट्स हो गया, कोई इफेक्ट्स हो गया तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक, डिजोल ऑक्सीजन। डिजोल ऑक्सीजन क्या है कि डिजोल ऑक्सीजन इज द कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी इन स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक्स। जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल होती है उसको डिजोल ऑक्सीजन बोलते हैं। इट इज द की टेस्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब अगर डिजोल ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर वो कम हो जाता है तो उससे वाटर क्वालिटी का अच्छा इंडिकेटर है। और कंसेंट्रेशन ऑफ डीओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर क्वालिटी, अगर डीओ की कंसेंट्रेशन ज्यादा है अच्छी है तो वाटर क्वालिटी अच्छी है, सारे ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव करेंगे। ऑक्सीजन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, जैसे पहले बात करी थी टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेचुरेशन कंसेंट्रेशन 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डीओ होती है उसका लेवल 7 ppm होता है, अगर वही हम टेम्परेचर 20 डिग्री कर देंगे तो 9 हो जाएगा, मींस 20 डिग्री पे 9 मिलीग्राम और 0 डिग्री पे जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो 14 ppm तक चला जाता है, मींस अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो जो डीजल ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मिनिमम लेवल ऑफ डिजोल ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द रिवर्स स्ट्रीम इज 4 ppm फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स और फिशेस। वो पूछा जाता है कि जनरली एग्जाम में कि मिनिमम लेवल क्या है डिजोल ऑक्सीजन का, जिसपे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनिमल्स है वो जिनके लिए रिक्वायरमेंट है, तो 4 ppm है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिजोल ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है तो आप एक्वेटिक एनिमल्स जो फिश है उनकी कंसेंट्रेशन भी बढ़ रही है। मेन मेथड्स क्या है डिजोल ऑक्सीजन मेजर करने के, कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है, एक विंकलर मेथड होता है, ये आपने इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जनरली कि विंकलर मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, तो डिजोल ऑक्सीजन के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड भी होता है। अब बात करेंगे बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहता है और इसके बारे में क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एनालिटिकल पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ डिजोल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर सैंपल एट स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम पर जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में उसको एरोबिक बैक्टीरिया मतलब मींस बायोलॉजिकली प्रोसेस के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना वही भी बॉडी होती है, उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन प्रेजेंट इन एक्वेटिक बॉडी। ठीक है, बीओडी जो मेजरमेंट करते हैं, देखिए यहाँ बीओडी वैल्यू इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर, इसको पीपीएम में दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी लिमिट होती है मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम हो जाएगा, सेम ही है पीपीएम हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द सैंपल ड्यूरिंग 5 डे ऑफ, या तो आप इसको क्या होता है बीओडी इंक्यूबेटर होता है तो उससे उसमें रख के हम मेजर करते हैं इनिशियल डीओ कितना हो गया, डिजोल ऑक्सीजन फर्स्ट में मेजर कर लेते हैं और उसको 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दीजिए या फिर 3 डेज के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों टेम्परेचर पूछे जाते हैं। अगर आपको टेम्परेचर 27 डिग्री है तो 3 डेज सफिशियंट है और 20 डिग्री है तो 5 डेज सफिशियंट है बीओडी के लिए, तो वो फाइनल डीओ मेजर करते हैं और जो इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ उसको डिफरेंस से हम बीओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ डेटा दिए गए हैं कि जो मोस्ट प्रिस्टीन और मीन्स एकदम प्योर जो रिवर होती है वो उनकी 5 डे कार्बोनेशियस बीओडी जो होती है 1 मिलीग्राम होती है, जो मॉडरेटली पोल्यूटेड होती है उसकी 2 to 8 के बीच में होती है और जो सीवियरली पोल्यूटेड होती है मोर देन 8 मिलीग्राम पर लीटर उसकी बीओडी रेंज होती है, जो यहाँ दिखा हुआ है ना कार्बोनेशियस बीओडी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड। पहले हम मेजरमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर कैसे किया जाता है अनसीडेड और सीडेड। अनसीडेड का मतलब होता है कि जो पानी वाटर सैंपल है उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो उस जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज कर देंगे। और क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि सीडेड जो होता है इसमें क्या होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं या कम होते हैं तो उसमें बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऐड किए जाते हैं, उसको सीडिंग प्रोसेस बोलते हैं सीडेड बोलते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है फॉर्मूला कि इनिशियल डिजोल ऑक्सीजन आफ्टर D5 फाइनल 5 डे बाय डिजोल ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ये डाइल्यूशन फैक्टर है डेसिमल डाइल्यूशन फैक्टर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि उसको वाटर को डाइल्यूट करना पड़ता है कि उसमें इतना ऑर्गेनिक मैटर होता है कि
वो ऑक्सीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको डाइल्यूट करके हम उसको मेजर करते हैं। एक चीज होती है अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला भी है उसका कि क्या अल्टीमेट बीओडी क्या होती है। इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर इनफिनाइट टाइम। जैसे 10% टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है, तो उसके लिए पूरा जितना रिक्वायरमेंट रहेगा पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको अल्टीमेट बीओडी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है ये, यहाँ पे अल्टीमेट बीओडी जो दिया गया है वो बीओडी एक पर्टिकुलर टाइम पे, बीओडी एट मान लो 5 days पे या बीओडी एट कोई पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइडेड बाय 1 - e to the power kT, कि टी तो यहाँ टाइम जो डेज में है और के जो है डी ऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट है, जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें के की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके आप अल्टीमेट बीओडी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ कार्बोनेशियस बीओडी अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर इज एडेड आफ्टर डाइल्यूशन है तो सैंपल। अब यहाँ जैसे बात कर रहे हैं कार्बोनेशियस बीओडी और ये लिख रहा है नाइट्रोजिनस बीओडी, तो दो बीओडी होती है, तो जो हम नॉर्मली जनरली जो 5 day बीओडी की बात करते हैं ना वो ये कार्बोनेशियस बीओडी होती है, क्योंकि जनरली ऐसे बोला जाता है कि जो शुरू में जो डिकम्पोज होता है, क्योंकि नाइट्रोजनियस बीओडी का मतलब क्या हो गया, उसमें प्रोटीन्स वगैरह जो भी होता है नाइट्रोजन कंपाउंड उनका डिग्रेडेशन जनरली 5 days के बाद स्टार्ट होता है, और जो कार्बोनेशियस मटेरियल होता है उसका 4-5 दिन में जो भी मैक्सिमम डिग्रेडेशन होना रहता है वो हो जाता है। जो शुरू की जो 5 days बीओडी होते हैं उसको हम सी बीओडी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमको कार्बोनेशन बीओडी मेजर करनी है तो हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब हो गया वो नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन जो भी उसमें कंपाउंड वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो जो जो भी आएगा वो कार्बोनेशियस कंपाउंड्स का ही आएगा बीओडी रिक्वायरमेंट, उसको कार्बोनेशियस बीओडी बोल देते हैं। द इनहिबिटर हिंडर्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन विच सप्लाई द नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ है। जो हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर यूज करेंगे वो ऑक्सीडेशन को रोक देंगे अमोनिया को, जिससे वो नाइट्रोजन बीओडी उसमें नहीं आएगा, ठीक है। टोटल जो बीओडी होता है वो सी बीओडी एन बीओडी होता है, बट जो 5 days जनरली हम बीओडी की बात कर रहे हैं वो सी बीओडी होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हेन परफॉर्मिंग द बीओडी 5 लिखा हुआ है ना, 5 बीओडी टेस्ट, इट कन्वेंशनल प्रैक्टिस टू मेजर ओनली सी बीओडी बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बीओडी डिमांड डस नॉट रिफ्लेक्ट द ऑक्सीजन डिमांड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज बिकॉज एन बीओडी जनरेटेड बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, मैं बात कर रहा था प्रोटीन, वेयर सी बीओडी प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, 4-5 दिन में वो डिग्रेड हो जाता है, और जो प्रोटीन होते हैं उनको डिग्रेडेशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो बीओडी 5 बोलते हैं वो 5 days में सी बीओडी जो निकल के आता है, ठीक है। अब बात करें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द पैरामीटर दैट मेजर ऑल ऑर्गेनिक्स, मींस उसमें तो हम केवल बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे थे बीओडी में, इसमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंस है ऑर्गेनिक्स उनका उनका ऑक्सीडेशन केमिकल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन केमिकल्स यूज किए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड उसके साथ एक एसिड यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ऑक्सीडेंट हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है हीट, वो उसमें हीट की जरूरत नहीं थी, वो नेचुरल प्रोसेस था। इसमें हीट यू मान लीजिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, और रिजल्ट इसमें जस्ट 2 आवर्स, ये शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट टर्म प्रोसेस, 5 days टाइम लग रहा था, इसमें 2 घंटे में हमको सी बीओडी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है ओपन रिफ्लक्स मेथड, जो बताया ना डाइक्रोमेट रिफ्लक्स मेथड, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं तो डाइक्रोमेट रिफ्लक्स मेथड। सीओडी वैल्यू ऑलवेज हायर देन बीओडी वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं उनके डिग्रेडेशन के जो केमिकली जो ऑक्सीजन डिमांड करते हैं उसको सीओडी बोलते हैं, तो वो हमेशा ज्यादा रहती है। और ये जो स्टैंडर्ड्स है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के, इसमें देखो दोनों दिया हुआ है, केमिकल ऑक्सीजन जो सीओडी होती है इनलैंड सरफेस वाटर में, अगर हमको वाटर रिलीज करना है इनलैंड बॉडीज में तो 250 होती है, और कहीं मेरिन में भी करना 250 ppm होती है। और जब हम बात करेंगे बीओडी की 3 degree 27, 3 days 27 degree के लिए, मतलब ये मेजरमेंट 3 दिन के लिए 27 degree तापमान पे किया, उस बेसिस पे दिया हुआ है, तो अगर हम 30 ppm इसकी लिमिट है, 30 ppm बीओडी होनी चाहिए किसी इनलैंड सरफेस वाटर में पानी को छोड़ने के लिए। अगर आपको पब्लिक सीवर में पानी रिलीज करना है 350 तक चल जाएगा, इरिगेशन लैंड के लिए 100 ppm बीओडी होनी चाहिए, और मरीन कोस्टल के लिए भी 100 होनी चाहिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लास्ट हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में, तो ये बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, वायरसेस हो गए, तो हम बात करते हैं। देयर आर सेवरल डिस्टिंग अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दैट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कार्ड एरोबिक, और जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट में जो रहते हैं वो एनारोबिक बोलते हैं, और जो दोनों में रह सकते हैं, आइदर एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को फर्क नहीं पड़ता, उसको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। एक बात और है कि लो टेम्परेचर बैक्टीरिया ग्रो रिप्रोड्यूस स्लोली, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, डबल एवरी एडिशनल 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री तापमान टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इनकी जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो डबल हो जाती है। ये भी कभी पूछा जाता है, अप टू ऑप्टिमम तक। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और टेम्परेचर 50 या 100 डिग्री हो जाएगा इनकी ग्रोथ होती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि जनरली 35 या 40 डिग्री तक होता है, वहां तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ डेंजरस वाटर बोर्ड डिजीज, बहुत सारी डिजीज हो, टाइफाइड हो गया, पैराटाइफाइड हो गया, ये कोलेरा हो गया, ऐसी बहुत सारी डिजीज के ये सोर्स होते हैं पानी में, तो इनका भी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया हो गया इनका सब। एक बैक्टीरिया होता है वाटर क्वालिटी पैरामीटर कोलिफॉर्म, आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है कोलिफॉर्म, एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें होता है कोलिफॉर्म में होता है ई कोलाई और एस्चेरिचिया कोलाई। पैथोजेनिक कोलिफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटेस्टाइन। पैथोजेनिक कोलिफॉर्म ऑलवेज, मतलब ये क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमंस की, उस इंटेस्टाइन में ये इकोलाई पाया जाता है। तो जो भी हम फिकल कोलिफॉर्म होता है, इकोलिफॉर्म होता है, वो जो पानी में जाता है तो उसके लेवल से हम उसका जो लेवल कोलिफॉर्म का इकोलाई का लेवल मेजर करके हम वाटर क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी क्या है। इसके जो मेजरमेंट के प्रोसेस है वो है मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड में बता दूं कि उस जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसका डायमीटर 47 mm डायमीटर होता है, और पोर साइज 0.45 माइक्रोमीटर की होती है। एक और मेथड होता है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन मेथड, और एक मेथड होता है, एक यूनिट भी होती है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड इज टू यूज द काउंट बैक्टीरिया इन डायल्यूट सैंपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या कोलिफॉर्म इकोलाई जो भी है, उनके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड होता है। और जो यूनिट होती है इनको मेजर करने की, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर 100 ml, 100 ml में कितने ऑर्गेनिज्म है वो इनका यूनिट होता है। अब लास्ट हम बात करेंगे एलगी की। एलगी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स होते हैं, सच है, क्लोरोफिल भी होता है, और जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसमें वो क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑटोट्रोपिक होते हैं। एल्गल ब्लूम की बात करेंगे, एल्गल ब्लूम क्या चीज है, रैपिड इंक्रीज और एक्युमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एल्गी। जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी होती है ना, वो न्यूट्रिएंट की वजह से, जैसे फ्रेश वाटर मराइन वाटर सिस्टम रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, हाई न्यूट्रिएंट, जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया या वेस्ट वाटर हो गया, उसको हम लगातार ऐड करते जाएंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस इन न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में बढ़ती जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो एल्गी, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी है ना, उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगी। तो वाटर बॉडी को कवर करने से क्या होगा, उस सनलाइट भी एंटर नहीं कर पाएगी, तो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो जाएंगे, और जो और इसका जो डिकम्पोजिशन होगा एलगी का सबका, तो उसमें जो ऑक्सीजन रिक्वायर होगी तो बीओडी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू एलगी ग्रोथ, इसको इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, यूट्रोफिकेटेड लेग भी बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होने की वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है, एल्गी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन प्रोसेस हो जाता है, वो पूरी लेक कंटामिनेटेड हो जाएगी या पोल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, और जो ये तो था माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में, और अगर हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक एल्गल ब्लूम, इसमें क्या, इसको केल्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मतलब अंडर वाटर एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ लार्ज ब्राउन एल्गी। दिस एल्गी का मतलब लार्जली कहीं भी जो फॉरेस्ट, मतलब इसका बहुत डेंस, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है माइक्रोस्कोपिक एल्गी की, तो उसको हम केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। और इससे ये कोई पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी रिच बोला जाता है इनको, बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छा है ये, अगर ये केल्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहीं भी तो।
अब हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस एग्जाम में से कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, कुछ इन जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर से रिलेटेड, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जो हमने अभी तक इस वीडियो में कवर किया है उससे कुछ क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या क्या क्या क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग रिगार्डिंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के बारे में क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें देखा, इट इज कॉल्ड बाय कार्बोनेट हार्डनेस, तो आपको देखा होगा कि कार्बोनेट बाय कार्बोनेट से टेम्परेरी हार्डनेस हो गया, तो यही रॉन्ग हो गया, ठीक है। और सेकंड है, इट इज अ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, तो ये इसका ट्रू हो गया। कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ये भी ट्रू हो गया। स्पेसिफिक मेथड फॉर शॉर्पनिंग रिक्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि ये गलत हो गया, क्योंकि ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए होता है, ठीक है। एज पर BIS स्टैंडर्ड्स 2012 द लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर 45 ppm बताया गया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नाइट्रेट रिपोर्टेड नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो मैंने बताया था कि नाइट्रेट नाइट्रोजन जो होता है उसकी लिमिट परमिशन और 10 ppm होती है, और जो नाइट्रेट होता है उसकी 45 होती है। तो आप ध्यान रखिए कि नाइट्रेट नाइट्रोजन का जो लिमिट होता है वो 10 mg/L ppm। बात करेंगे इन द वेस्ट वाटर टोटल जेल डाल नाइट्रोजन, मैंने बताया था कि टोटल जेल डाल नाइट्रोजन में क्या क्या आता है। यहाँ पहला दिया है टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया, तो ये आंसर हो गया। टोटल ऑर्गेनिक और प्लस अमोनिकल जो भी फॉर्म्स होते हैं तो वो उसको टोटल नाइट्रोजन, जेल डाल नाइट्रोजन बोलते हैं। वो जेल डाल उससे प्रोसेस से उसको मेजर किया जाता है। टोटल ऑर्गेनिक नहीं, टोटल इनऑर्गेनिक भी नहीं, और नाइट्रेट नाइट्राइट भी नहीं, तो ये आंसर हो गया इसका। विच मेथड इज यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर, अब आप बताइए इसमें कौन सा मेथड है। ग्रेविमेट्रिक से नहीं करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से। एक टिंटोमीटर जो बताया था, डिस्कस किया था हमने कि वो लाइट पास करके कलर को मेजर किया जाता है, तो ये टिंटोमीटर इज द राइट आंसर। क्लोराइड आर एस्टिमेटेड बाय द टाइट्रेशन विद द स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बाय यूजिंग अ इंडिकेटर, तो कौन सा इंडिकेटर हमने डिस्कस किया था। पोटेशियम क्रोमेट एक इंडिकेटर था, हमने इसमें डिस्कस भी किया था। उसमें स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो उसको पोटेशियम क्रोमेट को यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी की क्या यूनिट बताई थी मैंने, केटीयू नहीं है, फार्मोजन भी नहीं है, तो एक नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी, एनटीयू बात की थी ना, एनटीयू बात की थी। ये जो सीटीयू ट्रिकुलर यूनिट अलग थी, ये वो कलर के लिए होती है, लेकिन एनटीयू जो होता है वो टर्बिडिटी के लिए होता है, ठीक है। इन द सीओडी टेस्ट, सीओडी का टेस्ट जो होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय K2CR2O7, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टेसो, मैंने बात की थी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया एस्टेसो, ठीक है। ये सब इसके कोई आंसर नहीं है, एस्टेसो इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन डज नॉट कोड हार्डनेस, हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो भी डाइवेलेंट वाले हैं वो हार्डनेस कोड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम हार्डनेस को रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। परमिसिबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर 5 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट नहीं है, 15 पॉइंट नहीं, तो आंसर क्या हो गया, बताया था कि 1.5 इसकी परमिसिबल लिमिट है। वन इसकी जो लिमिट है वो 1 ppm इसको चाहिए, नॉर्मल जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, बाकी 1.5 सेम इसकी परमिसिबल लिमिट है। एसिडिटी एल्कलिटी मेजर्ड बाय पीएच, ये डिस्कस किया था कि जो पीएच होता है उनके एसिडिक आयन या ओएच आयन की कंसंट्रेशन, तो एल्कलाइन है वह या एसिडिक है कोई भी चीज तो पीएच दिखाता है। मिथेमोग्लोबिन एनीमिया इज कॉज्ड बाय, कॉज्ड इन ह्यूमन, किससे होता है, ठीक है। कौन सी चीज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो हमने बात की थी कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट फॉर्म है, वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो नाइट्रेट की वजह से मिथेमोग्लोबिन एनीमिया इसको कॉज करता है। विंकलर मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको अच्छे से याद है कि डिजोल ऑक्सीजन को, डिजोल ऑक्सीजन क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको हम यूज नहीं करते हैं, बायोलॉजिकली वो डीओ का डिफरेंस से यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जाएगा नहीं, तो डीओ इज द राइट आंसर। केमिकल के लिए तो हम वैसे भी क्रोमेट रिफ्लक्स ओपन रिफ्लक्स मेथड यूज करते हैं, तो डिजोल ऑक्सीजन द राइट आंसर। टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर इज कैलकुलेटेड बाय विच मेथड, तो टोटल हार्डनेस का जो बताया था, बात की थी कि उसमें क्या होता है कि टोटल हार्डनेस में जो EDTA होता है, EDTA जो सॉल्यूशन होता है वो दूसरों के साथ कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लेता है, तो उस कॉम्प्लेक्स के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, वो कॉम्प्लेक्स करके हार्डनेस को कम कर देता है। फ्लोरोसिस इज द डिजीज कॉल्ड बाय फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड फ्लोराइड अगर ज्यादा हो जाएगा एक परमिसिबल लिमिट से, तो वो डेंटल फ्लोरोसिस जो बोलते हैं वो डिजीज हो जाती है।
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाय टेम्परेरी किसके बारे में होता है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो इसका बोथ ए एंड बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट दोनों टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर बेबीज ड्यू टू हैविंग एक्सेस इन टैंक ऑफ। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके होगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट से, ठीक है। उसमें साइनोसिस जो होता है वो नाइट्रेट हो जाएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ बेस इन वाटर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड एसिड इज रिपोर्टली यूजुअली क्या। टोटल अमाउंट ऑफ बेस, जो बेस है आपको बताया बेस को हम अगर मेजर कर रहे हैं वो भी टाइट्रेशन मेथड से, तो एल्कलिनिटी जो एल्कलाइन होता है, अगर यहाँ पे हम अदर आयंस जैसे मिनरल आयंस या फिर कोई भी एसिड वगैरह मेजर, एसिडिक कोई भी कंटेंट मेजर करते हैं तो वो एसिडिटी हो जाता है, और यहाँ बेस मेजर कर रहे हैं तो एल्कलिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एस्टिमेशन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय सूटेबल एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द पीरियड। कितने पीरियड के लिए यूज किया जाता है, तो 5 डेज, अगर जनरली 5 डेज यूज किया जाता है, और 3 डेज 27 डिग्री पे, ठीक है, और 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंट दो पैरामीटर है। द स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट कैरिड आउट फॉर द पीरियड ऑफ जो केलोमल वगैरह अदर इलेक्ट्रोड होते हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ठीक है। तो इसका आंसर पीएच मेजरमेंट ऑफ पीएच एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा लेटर, तो ग्लास इलेक्ट्रोड इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है रेफरेंस तो दूसरा हो जाता है। एम्पियन इंडेक्स इज यूज फॉर्म, ये बताया अभी, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, एम्पियन इंडेक्स से कोलिफॉर्म बैक्टीरिया काउंट के लिए यूज किया जाता है। द डिटरमिनेशन ऑफ क्लोराइड इन वाटर एमओचर मेथड बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो मैंने बताया था जो क्लोराइड होता है वो क्लोराइड को जो एमओचर मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, उसको जो भी क्लोराइड्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट किया जाता है, जो भी क्लोराइड साल्ट होते हैं उनको प्रेसिपिटेशन के द्वारा उनको प्रेसिपिटेट करके निकाला जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। हार्डनेस इन द वाटर ड्यू टू कंटेंट्स डिजोल्व एलिमेंट्स वाटर टेंड्स टू अफेक्ट द लेथरिंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। द परमानेंट हार्डनेस कौन सा था, क्लोराइड एंड सल्फेट, ये आंसर हो जाएगा। क्लोराइड सल्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम, क्लोराइड कार्बोनेट वगैरह से तो ये गलत हो जाएगा, कार्बोनेट वगैरह से तो टेम्परेरी होती है, तो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। द 5 डे बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज कैलकुलेटेड, ये तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, बीओडी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है अपने, ठीक है, वो कितनी है 100 है, अल्टीमेट बीओडी निकालनी है, ठीक है। तो अल्टीमेट बीओडी का फॉर्मूला क्या था, एल इजिकल टू जो बीओडी दी हुई है, ठीक है, बीओडी दी हुई है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के और टी, ठीक है, के टी। तो ये फॉर्मूला है, इस बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 5 डे बीओडी है, ठीक है। तो जब यहाँ के का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 5 डे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो e होता है, e की वैल्यू होती है 2.711, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको 1 अप, इसका जो होगा 1 अपॉन 2.711, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इसको 1 से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली l इजिकल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2.711। जब आज को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 158। एजी क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है। इन द सीओडी टेस्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हिच एसिड, H2SO4, अभी डिस्कस किया। मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन मिलीग्राम पर लीटर रिवर नेसेसरी फॉर द एक्वेटिक लाइफ 4 ppm, जो मैंने बताया था कि मिनिमम क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ppm उसके लिए चाहिए जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल। ब्लू बेबीज जो इन्फेंट्स किसके द्वारा होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, सही है, ये नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से फिर वो फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है।
तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ अच्छा सा वेस्ट वाटर जो वो वाटर क्वालिटी जो पैरामीटर से उसका हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे। और आप ये चैनल का जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी इसके लिंक है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम रिलेटेड डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में और इन वीडियो के बारे में शेयर कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।